नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में। और इस हफ्ते हमारे साथ हैं काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR के डायरेक्टर जनरल, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं समय जहां तक COVID-19 की लड़ाई का सवाल है। बिल्कुल एक युद्ध स्तर पर इस समय काम चल रहा है कोरोना से निपटने का, और सरकार की जितनी बड़ी भूमिका है उससे बड़ी भूमिका इस समय डॉक्टर शेखर सी मांडे इस समय निभा रहे हैं। और इस हफ्ते हमारे साथ हैं डॉक्टर शेखर सी मांडे। मैं उनका स्वागत करती हूं स्वराज एक्सप्रेस पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मांडे। नमस्कार डॉक्टर मांडे, मेरा पहला सवाल है कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर में 38 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और जहाँ तक रिसर्च का सवाल है, क्योंकि कोरोना को लेकर ये कहा जा रहा है कि ना इसके लिए कोई दवाई है, ना वैक्सीन है, ना इस पर पहले की कोई प्री एग्जिस्टिंग बहुत ज़्यादा रिसर्च है, तो कितनी बड़ी चुनौती है इस समय आपके लिए सर? आपने कहा कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सही तरीके से एक जंग चल रही है हमारी कोरोना के खिलाफ, और ये लड़ाई लड़ने के लिए हमारे वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिस्ट सभी सक्षम है। हमारे 3800 लैबों में काम चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है कि जिस तरह से हम लोग कोरोना के ऊपर जीत कर पाए हैं। तो अलग अलग हिस्से हैं इसके, जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा मैं बताऊंगा आपको, जैसे डायग्नोसिस है, वैक्सीन्स है, ड्रग्स है, मेडिकल असिस्टिव डिवाइसेस है, इन सब अलग अलग चीज़ों पर अभी फिलहाल काम चल रहा है हम लोगों का। बिल्कुल डॉक्टर मांडे, एक फीलिंग है, एक परसेप्शन है, आप अगर मैं गलत होंगी तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा, एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो रिसर्च वायरसेस को लेकर पहले होनी चाहिए थी वो रिसर्च अब शुरू हुई है, तो क्या देर हो गई है, क्या भारत ने देर कर दिया है जहाँ तक अनुसंधान का सवाल है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वायरसेस अलग अलग तरीके की होती है, और काफ़ी सारे वायरसेस पे हम लोगों ने ऑलरेडी जीत पाई है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे एक बहुत ही अच्छे साथी थे डॉक्टर महाराज भान, उन्होंने एक रोटा वायरस पे वैक्सीन बनाई थी। okay. और ये सब अनुसंधान पूरा यहाँ पे करके उसके क्लिनिकल ट्रायल्स बना के वो रोटा वायरस वैक्सीन आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। तो ऐसी बात नहीं है कि वायरसेस पे अनुसंधान नहीं चल रहा था, लेकिन हर वायरस जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, और इसलिए हमें नई अगर वायरस कोई उभर के आती है उसका अनुसंधान करके उसके ऊपर जीत पानी होती है। तो इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि अनुसंधान नहीं चल रहा था, अनुसंधान जरूर चल रहा था, लेकिन कोरोना वायरस के जो अभी आई है हमारे सामने उभर कर, ये अलग चुनौतियां हमारे सामने में खड़ी कर रही है। लेकिन अगर आप बाकी देशों को देखें डॉक्टर मांडे, हमारे पास भारत के पास एग्जाम्पल्स थे यूरोप के, भारत के पास एग्जाम्पल था चाइना का, बहुत सारी वहाँ पर मौतें हुई, अमेरिका अब एक अगला एपिसेंटर बन चुका है। तो अगर रिसर्च का जो प्रोसेस है वो अगर इस समय चलेगा, और जबकि हमें बिल्कुल एक युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़नी है, तो इस दौरान बहुत सारी मौतें भी हो सकती हैं, तो उस चीज़ को हम कैसे बचाएंगे? तो जैसे आपको पता है कि भारत सरकार ने जो एक अपना रोक लिया है ये बहुत ही सही है, और आपने देखा होगा कि भारत में इस वजह से नंबर ऑफ डेथ्स जो है दुनिया में बाकी सभी देशों के हिसाब से बहुत कम है, हमारे यहाँ केसेस भी और नंबर ऑफ डेथ्स भी। और ये सिर्फ इसलिए है कि भारत सरकार ने बहुत जल्दी ही, जैसे पता चला कि कोरोना वायरस यहाँ पे आ रहा है, कुछ कदम ऐसे उठाए, जैसे कि फिलहाल जो लॉकडाउन चल रहा है ये बहुत सही कदम है, जिस वजह से वायरस इतनी तेजी से नहीं फैल रहा है जितने बाकी देशों में फैल चुका है, और इसी वजह से हमारे नंबर ऑफ डेथ्स भी कम है। और अनुसंधान की जो बात आती है, विश्व में जहाँ जहाँ अनुसंधान चल रहा है हमारे वैज्ञानिक उसे कुछ पीछे में नहीं है, हमारे वैज्ञानिक भी पूरे अग्रसर रहे सभी चीज़ों में, जैसे डायग्नोस्टिक्स में, ड्रग्स में वगैरह, और हमारे यहाँ भी वही अनुसंधान चल रहा है जिस तरह विश्व में बाकी जगह पर चल रहा है। लेकिन अगर पूरी एक ग्लोबल लेवल पर अगर हम रिसर्च की बात करें तो कितना कम्पेटिटिव है ये रिसर्च, और इज़ इट कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, एक बहुत पारदर्शिक तरीके से इस रिसर्च को अंडरटेक किया जा रहा है? क्योंकि जब भी होता है देशों के बीच में जब रिलेशंस की बात आती है तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स होते हैं, तो COVID-19 की अगर हम बात करें तो रिसर्च को लेकर इस समय कितनी पारदर्शिता है सारे देशों में, क्या वो फ्रीली अवेलेबल है सारे प्लेटफॉर्म्स पर कि भारत या कोई भी मुल्क, विश्व का कोई भी देश हो, क्या वो उस रिसर्च को फ्रीली और ट्रांसपेरेंटली उसको एक्सेस कर सकता है? जी, बहुत ही सुंदर सवाल है। सबसे बढ़िया चीज जो हुई है कोरोना ने, जो ये है कि पूरे विश्व के सभी साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी से उनको यूनाइट करने में ऐसा हो समझ रहा है कुछ दिनों में कि सभी वैज्ञानिक जो पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं अपना रिसर्च ऑनलाइन अवेलेबल कर रहे हैं,
जैसे हमारे यहाँ के भी वैज्ञानिक जो है, हम लोग भी अपना काम जो है उसके रिजल्ट जैसे आना शुरू होते हैं हम लोग उसे अवेलेबल करेंगे। तो काफ़ी ओपननेस है पूरे दुनिया में कि जो जो काम चल रहा है किसी भी कोने में दुनिया के, वो तुरंत सभी लोगों को अवेलेबल हो रहा है कि हमें ऐसा पाया जा रहा है, हमें ऐसा पाया जा रहा है और किस तरह की लोगों ने रिसर्च की है। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ कोरोना की ये रही है कि दुनिया के सभी वैज्ञानिक एकजुट कर इस पे ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जो कोरोना के लिए जो वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, कुछ चाइना से खबरें आ रही हैं कि चाइना बना रहा है, अमेरिका बना रहा है, ये वैक्सीन्स जो हैं इनको मार्केट में उतरने में कितना टाइम लगेगा? या मैं अगर स्पेसिफिकली पूछूं, भारत आने में कितना टाइम लगेगा इन वैक्सीन्स को, या भारत कुछ अपनी वैक्सीन्स भी तैयार कर रहा है? तो वैक्सीन्स का ऐसा होता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स करके दिखाना होता है कि वैक्सीन सही में सक्षम है कोरोना को दूर करने में। अगर ऐसी सक्षमता नहीं पाई जाती है तो इसलिए इसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारी वैक्सीन्स अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में है पूरी दुनिया में, और सुनने में है कि भारत में भी कुछ वैक्सीन्स क्लिनिकल ट्रायल में आ सकती है आने वाले दिनों में। तो ये समय ही बताएगा कि कितनी जल्दी हम लोग वैक्सीन इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ओके ओके, डॉक्टर मांडे, अब बात करेंगे जो 5-pronged स्ट्रैटेजी है। मैं पढ़ रही थी और आपसे भी जब बात हुई थी फ़ोन पर, तो आपने बताया था कि CSIR एक 5-pronged स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है कि एक पूरी जो कोरोना का जो युद्ध एक तरीके से जो छिड़ गया है और इस जंग से निपटने के लिए सरकार ने एक 5-pronged स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। वो क्या है ये स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए प्लीज़। तो इस जंग में एक रणनीति है जो हमारी, वो 5 स्तंभों पे आधारित है। okay. इसका पहला स्तंभ ये है कि हम लोग वायरसेस लेके जो हॉस्पिटल से वायरसेस आती है उनको सीक्वेंस करेंगे ताकि हमें पता चले कि वायरस के जो अलग अलग वायरसेस है पूरे जहाँ जहाँ पाई जा रही है वो एक ही है, अलग है, कोई उसमें म्यूटेशन हो रहा है ताकि उसमें ड्रग रेजिस्टेंस आ सकता है फ्यूचर में। तो ये सब चीज़ें उसमें से जाएगी, ये पहला स्तंभ हमारा है। okay. दूसरा स्तंभ जो है वो डायग्नोसिस पे है कि हम लोग फिलहाल RT-PCR से डायग्नोसिस कर रहे हैं, लेकिन और भी अलग अलग तरीके हैं डायग्नोसिस के, उनको थोड़ा बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि हम जल्द से जल्द डायग्नोसिस कर पाएं और सस्ते में कर पाएं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एक्यूरेसी। तो ये दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ ये है कि हम लोग नई दवाइयाँ, नई वैक्सीन्स करना चाहेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ प्रचलित ड्रग्स है बाकी डिजीजेज पे, उनको भी अगर यूज़ करके हम लोग कई नई ड्रग्स की खोज करें, उन्हीं ड्रग्स को अगर कोरोना के लिए अगर हो सके तो उनको इस्तेमाल कर पाएँ, ये हमारा तीसरा स्तंभ है। okay. और चौथा स्तंभ है जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स जो होती है। हमें समझ रहा है कि पूरे दुनिया में सभी हॉस्पिटल इक्विपमेंट की शॉर्टेज आ रही है, जैसे कि वेंटिलेटर्स का सब लोग की उसकी चर्चा है, लेकिन इसी तरह मास्क हो या प्रोटेक्टिव क्लोथ्स हो, इन सब के ऊपर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा हम लोग इंडस्ट्री के साथ जुड़ कर ये काम कर रहे हैं। okay. ताकि अगर जैसे हम लोगों के पास नए इक्विपमेंट तैयार हो, इंडस्ट्री उसे मैन्युफैक्चरिंग तैयार शुरू करे। okay. और पांचवा स्तंभ जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है मैनेजमेंट के हिसाब से, कि अगर एक सप्लाई चेन हम लोग तैयार करें पूरी, कि जिससे पूरे भारत में किसी भी कोने में किसी चीज़ की जरूरत हो तो ये सप्लाई चेन मॉडल हमें बता पाए कि जल्द से जल्द उसे कहाँ से सोर्स करके उस जगह पहुँचा पाए। तो ये 5 स्तंभ पे हमारी रणनीति है और मैं समझता हूँ कि अगर रणनीति को अपनाएं तो हो सके कि हम लोग कोरोना पे जीत जल्द से जल्द। राइट, डॉक्टर मांडे, ये जो 5 स्तंभ आपने बताया, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो, चाहे डायग्नोस्टिक्स, सर्वेलेंस, सप्लाई चेन्स, आपने काफ़ी सारी बातें बताई हैं, तो अगर इसको एक एक करके मैं शुरुआत करूँ और मैं सर्वेलेंस से शुरुआत करूँ, और मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रही थी कि बायोमेट्रिक सर्वेलेंस की बात हो रही है कि कैसे आप टेस्ट करेंगे कि आपके बॉडी के अंदर कोरोना वायरस है, तो ये सर्वेलेंस और डायग्नोस्टिक्स कहीं ना कहीं ये दोनों इंटरकनेक्टेड लग रहा है। तो ये जो बायोमेट्रिक सर्वेलेंस को लेकर मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी इंटरनेशनल जर्नल्स में, जैसे कि इसराइल का एग्जांपल दिया गया है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे कि अगर आपने अपना स्मार्टफोन टच किया तो उसे टच करने से, आपके फिंगर के टच से आप पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, आपके बॉडी के अंदर कोरोना वायरस के का इन्फेक्शन है या नहीं है। क्या उस स्तर पर भारत में भी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जहां तक सर्वेलेंस का सवाल है? तो जहां तक मैं समझता हूं, टच से टेम्परेचर तो जरूर पता चल सकता है, लेकिन एक कोई इंसान कोरोना वायरस से पीड़ित है या नहीं उसके बारे में आज के दिन हम लोग बायोमेट्रिक से पता नहीं कर पाएंगे। okay. और बल्कि इसमें डेंजर यह भी रहेगा कि एक ही बायोमेट्रिक काफी सारे लोगों को अगर स्क्रीन कर रहा हो तो उसके डेंजर यह भी है कि अगर एक किसी उसको टच कर ले
तो दूसरा व्यक्ति भी उससे पीड़ित हो सकता है। तो मेरे ख्याल से स्मार्टफोन की स्ट्रेटेजी आप जो कह रही है कि उसे टेम्परेचर पता चल सकता है, लेकिन कोरोना के ऊपर अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं है उभर कर जिससे हम लोग कोरोना को भी टेस्ट कर पाए बायोमेट्रिक के हिसाब से। ओके, लेकिन जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं सर, उसकी अवेलेबिलिटी अभी भी है नहीं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आज डॉक्टर्स के बीच में इतना ज़्यादा रिजेंटमेंट है लेकर। आपने चाहे वो बारा हिंदू राव का देखा हो, चाहे एम्स के डॉक्टर्स हों, उन सबकी एक ही कंप्लेंट है कि उनके पास इनफ इक्विपमेंट्स जो होने चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, उसकी भारी कमी है। तो क्या सरकार इसे प्रीएम्प्ट नहीं कर पाई, या सरकार के पास स्टॉक्स थे और वो स्टॉक्स अब खत्म हो चुके हैं? पोजिशन इस समय क्या है सर? ये आपने जो कहा है सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे विश्व में सभी सबसे बेहतर से बेहतर जहाँ पे हेल्थ केयर पाया जाता है, जैसे अमेरिका हो या इटाली हो, यहाँ की हेल्थ केयर की जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया सिस्टम है। लेकिन वहाँ पर भी उन लोगों को इन सभी चीज़ों के आपने जिसने जिक्र किया उनकी कमियाँ आई है। तो ये भारत की अलग से समस्या नहीं है कि यहाँ पे जो कमियाँ आप जो कह रही है, ये पूरे विश्व में सभी देशों में कमियाँ आ रही है। लेकिन डायग्नोस्टिक किट की जैसे बात है, आईसीएमआर ने एक बहुत सुंदर काम किया है कि आईसीएमआर जब लोगों को परमिशन दे रही है टेस्टिंग सेंटर्स का, तो उसमें उन्होंने दो तरीके से क्लासिफाई किया है कि किट्स विल बी स्पेसिफाइड बाय आईसीएमआर एंड किट्स विल नॉट बी स्पेसिफाइड बाय आईसीएमआर, विल बी स्पेसिफाइड बाय समवन एल्स। तो ये जो है ये बहुत अच्छा किया आईसीएमआर ने। जैसे कि हमारी सीएसआर की जो प्रयोगशालाएं हैं वहां पे आईसीएमआर ने कहा है कि आप अपनी किट्स इस्तेमाल कर लीजिएगा, और हमारे पास जैसे कि हमारे कुछ केमिकल्स ऑलरेडी है टेस्ट करने के लिए, हम लोग सीएसआर के लैब में एटलीस्ट आईसीएमआर से किट्स नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि आईसीएमआर फिर वो किसी प्राइवेट डायग्नोस्टिक्स या किसी अस्पतालों को अगर देना चाहे तो दे पाएंगी। तो कमियां जो आप जो कह रही है वो पूरे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं है। सर, ये मेरा जो प्रश्न था वो इसलिए था क्योंकि अभी हाल में हमने देखा, और अमेरिका का आपने एग्जांपल दिया, इसलिए मैं अमेरिका की भी बात करूंगी, कि अमेरिका में कुछ ऐसी नर्सेस थी जिन्होंने एप्रन के बजाय, जो डस्टबिन्स में हम ब्लैक पॉलिथीन बैग्स यूज़ करते हैं, वो उसको एज एन एप्रन यूज़ कर रहे थे। देर आर विजुअल्स ऑफ पीपल यूजिंग डायपर्स एज फेस मास्क। अभी हमने बिहार में 2-3 दिन पहले देखा था कि वहाँ के कुछ डॉक्टर्स हैं वो अम्ब्रेला और रेनकोट्स पहनकर काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट्स अ सल्यूट, अ बिग सल्यूट टू देयर नेवर से डाई स्पिरिट, और वो हर हालात में काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सल्यूट है हमारे हेल्थ वर्कर्स को। लेकिन जब इस तरीके का जो एक प्रोविजन और जो सेटअप हम जब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे नर्सेज हों, वो बहुत डीमोटिवेट भी होते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि वो युद्ध में तो उतर गए, लेकिन युद्ध में ना उनके पास तलवारें हैं ना शील्ड है, और वो कैसे लड़ेंगे सर? ये तो जैसे मैंने कहा कि पूरे दुनिया में ये जो प्रॉब्लम चल रही है कि सभी चीज़ों की कमियां आ रही है, वो साहजिक है कि इतने बड़े प्रमाण पर ये समस्या आएगी, इसका कभी किसी ने दावा पहले किया नहीं था। और इस वजह से सभी देशों में, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे बढ़िया से बढ़िया हेल्थ केयर वाले जो नेशंस है वहाँ पे भी सब चीज़ों की कमियाँ आ रही है। और मेरे ख्याल से हम सभी लोगों ने, हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जो रणनीति में अभी फिलहाल सबसे आगे में है, उन सभी का वो उनका जो काम चल रहा है वो बहुत प्रशंसनीय है, और देश के सभी नागरिकों ने हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स के साथ जुड़कर उनकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, उनका प्रोत्साहन लेकिन जरूर बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर मांडे, इसके पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, मैं रियली चाहूंगी कि आप पूरे देश के जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, उनके लिए अगर आप 2 लाइंस में क्या सजेशन देंगे कि ऐसे हालात में उन्हें कैसे काम करना चाहिए। आज एक नहीं, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकती हूं कि उनके पास एप्रन्स नहीं है, गाउन्स नहीं है, कवरऑल्स नहीं है, मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर्स आज अपनी जान पर खेल के काम कर रहे हैं। उनको आप 2 लाइंस में आज क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा सभी डॉक्टर्स को कि जैसे किसी भी युद्ध में हम लोगों को बहुत गर्व होता है कि हमारे एक सैनिक जो है जो फ्रंट लाइन पे जाके हमारे लिए देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह आज आप सब लोग हमारी रक्षा में जुड़े हुए हैं, और हमें बहुत गर्व है हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी का और हमारे हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी का। ये सभी भारत के सभी नागरिकों को आपके ऊपर बहुत गर्व है, और हम आप लोगों के साथ हैं ये जंग लड़ने में। डॉक्टर मांडे, अभी आपने 5-प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी की जो बात कही थी, उसमें एक और स्तंभ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ड्रग्स का, यानी कि दवाइयों का। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी प्री एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं जो पहले से थीं, या जो ड्रग्स फेल हो गई हैं, क्या उन दवाइयों का इस्तेमाल हम अभी कोरोना वायरस से निपटने के लिए कर रहे हैं? इसमें दो पहलू हैं।
जो ड्रग्स ऑलरेडी प्रचलित है बाकी रोगों के लिए, जैसे कि मलेरिया में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल होता है, उसे विश्व में काफ़ी सारे जगह ट्राई किया जा रहा है कि ये कोरोना वायरस के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं या नहीं। और जो प्राथमिक इसके जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग है, क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेके। इसी तरह एजिथ्रोमाइसिन के भी प्राथमिक जो परिणाम आए हुए हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग है। लेकिन दूसरा पहलू आपने जो कहा कि कुछ कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिन लोगों को, जो ड्रग कभी मार्केट में नहीं आ पाए और उनको, उनसे कोई टॉक्सिसिटी नहीं पाई गई थी, लेकिन उनका जो इफेक्टिवनेस था, जिस डिसीज़ के लिए वो ड्रग्स तैयार हो रहे थे उतना इफेक्टिव उन्हें पाया नहीं गया था और इसलिए उन लोग उन ड्रग्स को डिस्कार्ड किया गया था, लेकिन उनसे टॉक्सिसिटी नहीं होती है। तो वो ड्रग्स भी फिलहाल अभी टेस्टिंग में चल रहे हैं पूरे विश्व में कि ऐसे ड्रग्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, कि क्या उनकी एंटी कोरोना एक्टिविटी हो सकती है क्या, इसके ऊपर भी प्रयास चल रहे हैं। लेकिन जो ये HIV की ड्रग्स का नाम बार बार आ रहा है कि उन्हें भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या ये सच में है ऐसा कि हम HIV की ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए? तो इसका भी प्रयास चल रहा है कि जैसे रिटोनावीर वगैरह है, लोपिनावीर रिटोनावीर, ये भी HIV के कुछ जो अपने अंग है जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, प्रोटीएज है इसके भीतर, वैसे ही कोरोना में भी एक प्रोटीएज होती है और माना जाता है कि ये प्रोटीएज के इनहिबिटर्स हमें एक अच्छी लीड दे सकते हैं एज ए ड्रग अगेंस्ट कोरोना। तो इसके ऊपर भी कुछ फोकस है और लोग, कुछ लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स को लेकर अगर हम नई दवाइयाँ खोज पाएँ। जहाँ तक डॉक्टर मांडे टेस्ट का सवाल है, अभी जो RT-PCR टेस्ट है उसकी जो मशीन्स हैं वो बहुत महंगी हैं, 10 लाख से 20 लाख तक का उनका कॉस्ट है। लेकिन आप कुछ और टेस्टिंग टेक्निक्स की बात कर रहे थे, कुछ नई टेक्निक्स मैं पढ़ रही थी, जैसे कि विज इंस्टीट्यूट एट हार्वर्ड वो एक पेपर बेस्ड टेस्ट की बात भी कर रहा है और कह रहा है कि बहुत रैपिड होगा ये टेस्ट, बहुत सस्ता भी हो सकता है। तो क्या भारत में कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जो कि इस पर काम शुरू कर रहा है? और जहाँ तक ब्लड सीरम टेस्टिंग की बात है वो कितनी आगे अभी बढ़ पाई है जहाँ तक अनुसंधान का सवाल है भारत में? तो इसमें टेस्ट 3 अलग अलग तरीके के आज ट्राई किए जा रहे हैं। पहला जो है, जो RT-PCR आपने कहा, जो आज फिलहाल प्रचलित है, आज भी देश में सब जगह RT-PCR को यूज़ कर रहे हैं, जिसका मशीन थोड़ा महंगा होता है और टेस्ट की भी जो प्राइस है वो अबाउट 3 से 5 हज़ार तक है। दूसरा टेस्ट जो है, जो आपने कहा, वो सीरम बेस्ड है, जिसमें हम लोग जानना चाहेंगे कि सीरम में ऐसी कोई एंटीबॉडी है क्या जो एंटीवायरल एंटीबॉडी है। तो ये सीरम बेस्ड टेस्ट जो है वो फ्लोरसेंस बेस्ड या एलाइजा के टाइप से कर सकते हैं। और तीसरा आपने जो कहा वो पेपर बेस्ड टेस्ट है, और पेपर बेस्ड टेस्ट में हम लोग नाप सकते हैं कि अगर किसी भी एक सॉल्यूशन में अगर वायरस हो, जैसे नेजल स्वाब में हो या ओरल स्वाब में हो, उसमें अगर वायरस हो तो इसमें पता चल सकता है। और हमारी इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जिसे हम लोग IGIB कहते हैं, इस इंस्टीट्यूट के कुछ युवा वैज्ञानिकों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और पेपर बेस्ड डायग्नोसिस में उन्होंने दिखाया है कि हमें कोई प्राथमिक सफलता मिली है, जरूर सफलता मिली है, जिससे ये टेस्ट सस्ते में और जल्द से जल्द और काफ़ी एक्यूरेसी से उसे हम कर सकते हैं। लेकिन तो प्राथमिक सफलता हमारे वैज्ञानिकों को भी जरूर मिली है। ऐसी टेस्ट दुनिया में 2 जगह और चल रही है, आपने जैसे कहा था हार्वर्ड का आपने जिक्र किया, वैसे ही बर्कले में भी इसका प्रयास चल रहा है और हमारे वैज्ञानिक भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि ये पेपर बेस्ड टेस्ट कुछ ही दिनों में हमारे लिए प्राप्त हो जाए। लेकिन डॉक्टर मांडे, ये जो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं ये कितनी सस्ती हो पाएंगी? क्या इतनी सस्ती हो जाएगी कि एक जो माइग्रेंट लेबरर है या एक सब्जी बेचने वाला इंसान है या एक कबाड़ी वाला है वो हॉस्पिटल में, कैन ही वॉक अप टू द हॉस्पिटल और अ क्लिनिक एंड गेट हिमसेल्फ टेस्टेड फॉर कोरोना वायरस? क्या इतना सस्ता हो जाएगा टेस्ट? प्रयास तो यही है कि टेस्ट अगर हम लोग 100 रुपये के अगर भीतर ले आए तो काफ़ी अच्छा होगा। आज के दिन ये 3 से 5 हज़ार रुपये तक का है, लेकिन हमारा प्रयास जरूर ये रहेगा कि टेस्ट को अगर 100 रुपये में ले आए तो काफ़ी स्तर पर हम लोग इसे फील्ड पे इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक और जो सवाल बहुत डिस्टर्बिंग है डॉक्टर मांडे, और बार बार इसकी बात निकल कर आ रही है, और वो ये है कि अभी भारत स्टेज 2 में है और भारत स्टेज 2 से स्टेज 3 आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। हमारे पास एग्जाम्पल्स चाइना का है, अमेरिका का है, हमारे पास एग्जाम्पल यूरोप का भी है। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर ऑलरेडी कह रहे हैं, जैसे विलोर के एक डॉक्टर है डॉक्टर जेकब, उन्होंने कहा कि भारत में तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत फेबर में ही हो गई थी। तो आपके हिसाब से आपका क्या एजम्पशन है, क्योंकि लोकलाइज्ड कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑलरेडी शुरू हो गया है कुछ पॉकेट्स में और इस पर हेल्थ मिनिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट भी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी भारत कहाँ पर है, एक्चुअली किस स्टेज में है?
ये सवाल तो मेरे ख्याल से हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को करना चाहिए, बस हमारा काम जो है वो अनुसंधान करना, और जो भी हम लोग हमारी तरफ से कर सके, वैक्सीन, ड्रग, प्रोटेक्टिव मास्क, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके ऊपर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। ये सवाल मेरे ख्याल से हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ज़्यादा सक्षम होंगे ये हमें बताने के लिए हम किस स्टेज पर है। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अनुसंधान के वास्ते जो हमारे देश में जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे DRDO है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, CSIR है, फिर MHRD की कई सारी लैब्स हैं, ये सब एकजुट कर इसके ऊपर काम कर रही है, और हम सब लोगों के साथ प्राइवेट कंपनीज भी जुड़ी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि कुछ ही दिनों में हमें कुछ अच्छे परिणाम अब प्राप्त होना शुरू होगा कि अनुसंधान के ओर से हम लोग कोरोना पर फिर जीत जल्द कर पाएंगे। डॉक्टर मांडे, आपने भी थोड़ी देर पहले सप्लाई चेन्स की बात की थी, कुछ नए मॉडल्स को आपने इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी, वो क्या मॉडल्स हैं? क्योंकि अभी भी अगर आप सप्लाई चेन को देखें तो बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन्स आर हिट इन द कंट्री, इवन इफ द प्रोडक्ट्स आर देयर दे आर नॉट रीचिंग द मार्केट, तो वो कौन से नए सप्लाई मॉडल्स की आप बात कर रहे हैं और एक्चुअली वो कब तक धरातल पर दिखेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ये सप्लाई चेन जो है ये मटेरियल मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि देश में किसी भी कोने में अगर कोई भी अगर चीज़ अवेलेबल हो तो हमें पता होना चाहिए कि आज के दिन ये वाला ड्रग इस जगह अवेलेबल है, ये वाले मास्क जो है N95 मास्क इस जगह अवेलेबल है, और ज़रूरत क्या है वो भी मैप करना होता है कि किस किस इलाकों में किस चीज़ की जरूरी है और कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल हो। ये दोनों अगर हम लोग अगर मैप कर पाए तो एक बहुत अच्छा सप्लाई चेन कर पाएंगे, और CSIR का और एक हमारे देश की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, इन लोगों ने ये सप्लाई चेन मैपिंग का काम अब शुरू किया है, और इसके वजह से हम लोग एक्चुअली मैप कर पाएंगे हर चीज़ की, दवाई हो या इक्विपमेंट हो या और भी कुछ अगर चीज़ हो कि जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, इसका कोई भी अगर सप्लाई किसी को भी किसी भी कोने में ज़रूरत हो तो ये सप्लाई चेन पे मैप करके हम लोग जल्दी इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। डॉक्टर मांडे, आपके जवाब ने मुझे फिर से टेम्प्ट किया है कि मैं वो सवाल आपको फिर से थोड़ा सा घुमाकर पूछूं, और ये है कि जो सप्लाई चेन, जो नए सप्लाई चेन मॉडल्स की आप बात कर रहे हैं, वापस वही मेरा सवाल है कि क्या इन सप्लाई चेन मॉडल्स के ऊपर पहले काम हो सकता था? हैव वी लॉस्ट द टाइम? आर वी लेट? ये सारे प्रश्न हैं जो लोगों को इस समय डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपका क्या अजम्पशन है कि क्या ये जो सप्लाई चेन मॉडल्स हैं, हम इन्हें पहले भी कॉर्पोरेट्स के कोलैबोरेशन में हम उसे पहले थोड़ा सा रीइन्वेंट कर सकते थे या ला सकते थे, सो दैट वी कुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सप्लाई चेन मॉडल्स ऑलरेडी फील्ड में काफ़ी जगह है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अमेजॉन या अलीबाबा ये सब कंपनी ये सप्लाई चेन मॉडल सब यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको जल्द से जल्द कोई चीज़ डिलीवर करनी होती है ज्योग्राफिकली क्लोजर रीजन से, तो इसलिए सप्लाई चेन मॉडल काफ़ी सारी कंपनियां यूज़ करती है अपने अपने बिजनेस के हिसाब से। लेकिन कोरोना जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर जैसी कि बीमारी जो हमारे एकदम सामने ही और एकदम से उभर कर आई, इसलिए हमें पता नहीं था कि किस के पास क्या चीज़ है और कहाँ पे उसकी ज़रूरत हो सकती है, इसलिए कोरोना के स्पेसिफिक जो सप्लाई चेन है वो हम लोग बना रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सप्लाई चेन ये कोई नई चीज़ नहीं है, सप्लाई चेन मॉडल्स काफ़ी सारी कंपनियां अपने हैं के बिजनेस के लिए यूज़ करती है, और उन बिजनेसेस में काफ़ी सक्सेसफुल रहा है ये सप्लाई चेन मॉडल, लेकिन हम लोग सिर्फ उसे कोरोना के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं, और कोरोना जैसे कि हमें पहले पता नहीं था कि बड़ी इतनी बड़ी बीमारी एकदम हमारे सामने में उभर कर आ जाएगी, इसलिए कोरोना के लिए हम लोग सप्लाई चेन मॉडल अलग से तैयार कर रहे हैं। एक सवाल और है सर, ये जो काउ यूरिन थेरेपी की बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग गोबर का सेवन शायद अपने घरों में कर रहे हैं, गुजरात से ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि काउ यूरिन बहुत भारी मात्रा में बिक रहा है, और ऐसे परसेप्शंस लोगों में फैलाया जा रहा है कि अगर आप गौमूत्र का सेवन करेंगे तो शायद कोरोना से आप लड़ सकते हैं। ये परसेप्शन ही है या इसमें कोई रियलिटी है? क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि आयुष मिनिस्ट्री को भी इसमें रोप इन किया गया है इस कोरोना की बैटल में, तो अगर हम आयुष मिनिस्ट्री का रोल देखते हैं और फिर जब इस तरीके की बातें देश में होती हैं तो आप लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे कि क्या है सही थेरेपी लोगों के लिए? ये एक चीज़ बहुत सही हुई है कि हम लोगों ने आयुष मिनिस्ट्री का भी सहारा लिया है इसमें, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में एंशियंट टेक्स्ट में काफ़ी सारे चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ होने से क्या हो सकता है, और आयुष ने लोगों को जरूर बताया कि आपकी अगर इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो कौन सी चीज़ हम लोग खा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग लाइफस्टाइल कर सकते हैं, तो इसलिए आयुष का यहाँ आना बहुत ज़रूरी था, और आयुष मिनिस्ट्री ने ये भी एक पत्रिका जारी की है कि हम लोगों ने क्या क्या करना चाहिए
जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ पाएगी। जैसे स्पेसिफिक आपने जो आप मुझे पूछा, ये तो मेरे ख्याल से आयुष ही उसका जवाब दे पाएगी, उसके स्पेसिफिक्स जो कुछ है। लेकिन आयुष मिनिस्ट्री का आप पत्र जरूर पढ़िएगा, उन लोगों ने बहुत ही सुंदर पत्र निकाला हुआ है कि हम लोगों ने किस तरह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से लाइफस्टाइल हम लोग अपना पाए। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और खासकर आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को जरूर पढ़ी जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मांडे, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। और जैसा डॉक्टर मांडे ने कहा कि लड़ाई अभी जारी है, बहुत सारे इन्वेंशंस, बहुत सारे इनोवेशंस, बहुत सारा अनुसंधान अभी COVID-19 को लेकर चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि भारत में ये लड़ाई कब तक चलेगी, कितनी लंबी चलेगी, सबकी निगाहें शायद इसी पर होंगी। हमारे प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड में इतना ही, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।